मुंबई 1000 किलोमीटर ओनली। यार आज तो पहुंचना था, शाम भी हो रही है, नजदीक करना है। कोल्हापुर तक तो पहुंच के देखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद मेरे को ड्राइव करने को मिला है। आज मुंबई तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, अच्छा खासा तो दोनों टायर्ड हो चुके हैं, बिकॉज दोनों गाड़ी चला चुके हैं। रात को यहीं पे गाड़ी पार्क था, यहाँ पे नीचे बिल्ली है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत हड़बड़ी में हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना? राइट, बिकॉज आपको पता है हम बेंगलोर में हैं एंड वी आर स्टार्टिंग नाउ फॉर मुंबई। अभी टाइम हो रहा है 12:08, यहाँ से करीब 18.25 घंटे का ट्रेवल टाइम है। 1010 किलोमीटर है और सुबह 6:22 बता रहा है विदाउट ब्रेक्स। सो लेट्स सी, वी आर ऑन NH44 ओनली, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, ब्रेक लेते हैं कि नहीं। नॉनस्टॉप करने का तो मन है भाई, बेंगलोर से एग्जिट मार रहे हो ना, तो ये सिटी का ट्रैफिक तो आपको झेलना ही पड़ेगा। और मुझे शायद एक और वाइपर के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा, तो वाइपर का जो वो एंड है वो है ना, बंदर ने थोड़ा सा उसको नोच दिया था जब पार्क किए थे, तो उसको मैंने ठीक किया, बट यहाँ पे ना मेटल घिस रहा है, इसके लिए मैं ग्लास भी सही से साफ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आगे अगर शेल वेल का पेट्रोल पंप मिल जाता है ना, तो थोड़ा सा मैं वाइपर चेंज कर लूंगा, वाइपर प्लेट्स। बंदर ने अटैक कर दिया, क्या करेंगे अब कुन्नूर में। ये बेंगलुरु सिटी का एंट्री है और लेफ्ट में जा रहा है हैदराबाद टुमकुर। हमने ना टुमकुर की तरफ एग्जिट ले लिया। चलो ये तो ट्रैफिक का सिलसिला चलता रहेगा, एक बार हाईवे चढ़ के दिखाते हैं आपको। अरे बहुत टाइम बाद महिंद्रा का ये गाड़ी दिख रहा है, E2O, पहला EV। बाय द वे यहाँ पे देखिए, इतने चलने के बाद भी 20-30 किलोमीटर के बाद भी 1019 किलोमीटर में बता रहे, इसने कुछ तो रूट किया है। और अराइवल टाइम वही है अराउंड 6:23। वी आर इन टू द टुमकुर हाईवे, तो टुमकुर होके चित्रदुर्ग होके शायद निकलेंगे, वही तो पिछले बार भी लिए थे एक्चुअली। मुंबई 1000 किलोमीटर्स ओनली। तो अभी जो हमारा किलोमीटर भर गया था ना, देट वॉज ड्यू टू गूगल ने हम लोगों को रीरूट कर दिया था टुवर्ड सोलापुर हाईवे। हमने फिर से उसको रीरूट किया, रिया ऐसे एक्सपांड करी, बोले देवनागरी कैसे रूट पे नहीं है। फिर हमने फिर से हुबली हाईवे होके रीरूट किया और किलोमीटर देखो घट के 982 हो गया। आई गेस अभी और उतना ट्रैफिक नहीं होगा, दुआ करो। तो ये अपना पहला टोल दिन का, शायद अपने को फास्टैग रिचार्ज कराना पड़ेगा क्योंकि 1100 रुपए है रिया वैसे, बट मुझे लग रहा है कि लंबा रूट है ना, थोड़ा सा करके रख देते हैं। पता नहीं कितना टोल लगेगा, आपको तो एंड ऑफ वीडियो में पता चल ही जाएगा। हम लोग जा रहे हैं स्पूर्ति प्रिंस रॉयल हेवन, तो पेट पूजा हो जाए अभी। ऑलमोस्ट 2:08 हो रहे हैं, गोल्डन चैरियट। हमने ना लंच कर लिया, तो चिकन के साथ बटर नान और ये सब लेके करीब 405 का बिल आया। तो अब थोड़ा सा डेजर्ट लेंगे, ये ऊटी के चॉकलेट्स खाते हुए अभी आगे निकलते हैं। कितना बड़ा विंग है ना विंडमिल का, बहुत बड़ा विंग है। ये सब रात को निकलते होंगे। हाँ, और यही सब दूर से विंडमिल में कितने छोटे लगते हैं। याद है अपने पांडिचेरी वाले ब्लॉग में हमने कवर किया था। हाँ, रात को बहुत सारे विंडमिल लेके ट्रक जा रहे थे। टोलवे ये NH 48 ही है, 48 ही चल रहा है। अपना प्यारा हाईवे जो मुंबई के हर तरफ से कनेक्ट करता है, चाहे गुजरात हो चाहे बेंगलोर हो, हर तरह से NH 48 मुंबई को घेर के रखा है। रोड का हालत देखो, इतने ट्रैफिक जैम में लग के आए हैं। ये अभी चित्रदुर्ग क्रॉस करके है ना, और थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, इधर रोड ही नहीं है, उधर का डाइवर्शन खोल देते कम से कम। एंड शी इज इन डीप स्लीप। देखो आगे रास्ते का हालत है,
एकदम बेस गंदा होगा, कुछ करने का नहीं है, एक बार तो वहाँ पे जाके तुलवाना ही है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का साइन आ रहा था अभी हल्का हल्का सा। यहाँ पे शायद ये वाला ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है बट उन्होंने पहले ही चालू कर दिया। अभी भी है ना 15 घंटा 7 मिनट बाकी है, 882 किलोमीटर मोर टू गो। ना जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल। ये देखो शेल का एक पेट्रोल पंप दिख रहा है, कितने में है, 200 मीटर में है ना। हाँ। कोई भी देखता है अगर वाइपर का ब्लेड मिल जाता है ना। पेट्रोल 106 रूरल है क्या, रूरल रेट मिलेगा तो अच्छा रहेगा। होपफुली यहाँ पे मेरे को ब्लेड मिल जाए, इनके स्टोर्स में है ना रहता है। जियो कितने का बेच रहा है पेट्रोल, 102, और शेल बेच रहा है 106, ठीक ही है। आई थिंक 18 and 25 यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये पूरा गया है। 24 हाँ, 18 and 24 हाँ ठीक। ये बेटर रहता है ना क्लीनिंग में। हाँ ये ना। अपना टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 354 and 550। मैंने पेमेंट करते करते भैया ने बिठा भी दिया, थोड़ा सा है ना सिंस रुके हैं तो पेट्रोल भी भरा रहे हैं। यहाँ पे करीब 118 का है वी पावर, 2655 का पेट्रोल गया है 22.5 लीटर। तो हम जो अभी पेट्रोल पंप पे रुके थे ना सीरा था, कितना अच्छा साफ हो रहा है ना, ये बॉश का क्लियर एडवांटेज वाइपर है। 869 का दो ब्लेड पड़ा, 354 and 515, तो बहुत अच्छा है ये ब्लेड्स। जो स्लाविया का डिफॉल्ट ब्लेड्स है ना उससे भी बहुत बेटर है, अगर आप चेंज कर रहे हो तो ये रिकमेंडेड है। क्या है वो, क्या ऐसे टहलने निकले क्या रोड पे, मैं तो क्रूज में भगा रहा हूँ। नारियल पानी बहुत मिल रहा है यहाँ पे। चित्रदुर्ग इज लाइक 62 किलोमीटर्स मोर। अपना कोस्टल ट्रिप खत्म हो गया, लेकिन ये नारियल के पेड़ क्या बताऊं। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, इतना बड़ा टर्न लेने की जरूरत नहीं था वैसे। ये नारियल के पेड़ मेरे को पूरा मतलब कोस्टल का ही याद दिला रहा है, गोवा गोवा वाइब्स आ रहा है। एग्जैक्टली हिरियूर करके जगह है, हम लोग हिरियूर क्रॉस कर रहे हैं। कैमरा 100 90 90 80। क्या मस्त है ना साईं बाबा का स्टेच्यू। बहुत सही है। और ये कुछ एक टोल आ गया है, रियर ड्राइव कर लोगे अब? हाँ कर लेंगे, बहुत देर से ड्राइव करूंगी करूंगी बोल रही हूँ, मुझे पता है। उधर तुम्हारे ऊपर धूप आ रहा है ना लेफ्ट साइड में, इसीलिए तुमको मेरे सीट में बैठना है ना। चलो बैठ जाओ, थोड़ा देर में भी सो जाता हूँ। ट्रिप के और 820 किलोमीटर बाकी हैं और ड्राइवर का हो चुका है आदान प्रदान, तो रिया है ड्राइविंग सीट पे। और अभी तक का माइलेज है ना अच्छा मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। 15.3 साढ़े तीन घंटे में हमने करीब 187 किलोमीटर किया है, जिसमें कि बेंगलोर ट्रैफिक भी इंक्लूडेड है। चलो थोड़ा सा आराम किया जाए, और ये है रास्ते जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये क्या स्पीड नीचे करो, कर दिया भाई। तो ये लेफ्ट में चित्रदुर्गा का एग्जिट कट गया एंड वी आर कंटिन्यूइंग स्ट्रेट इन दिस हाईवे। ये देखिए हाईवे इधर बेंड हो जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और यहीं पे ना आगे कट है सोलापुर का, सोलापुर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, सीधा ही कंटिन्यू करना है। बहुत देर से है ना विंडमिल देखते देखते आ रहे हैं चित्रदुर्गा के पास, और ये राइट पे देखो ड्राइवर्स व्यू में, बट ड्राइवर तो नहीं देख पा रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा है एंड बहुत अच्छे से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बन रही है। ये भी जरूरी है ना, क्योंकि ये सबसे मतलब एक बार सेटअप कर दो ना फिर इसमें कॉस्ट ही नहीं है, और पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या मक्खी, गोवा 392 किलोमीटर मक्खी को भगाओ, कैसे भगाएंगे चलती गाड़ी में।
खिड़की खोलेंगे तो हवा से वो और अंदर आ जाएगा। आराम से देखो घर बार लेके जा रहे हैं वो। भाई ये क्या लेके जा रहा है? क्या है भाई ये? ऐसा लग रहा है जेल है, जेल के अंदर लोगों को बंद करके लेके ले लिया है उसने। सही में बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद मेरे को ड्राइव करने को मिला है। क्यों इतने दिन क्यों नहीं मिला? तुम तो जाने ही नहीं रहते ना ड्राइव करने के लिए। इतना मजा आ रहा था। अभी 13-13.5 घंटा है आज, बहुत ड्राइव कर लो रिया। मेरे को नींद ही नहीं आ रहा है, सोऊंगा करके मैं इस तरफ आया था। 1 2 3 4 काउंट करो कुछ भी। कितना मस्त हाईवे है यार। मुंबई समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस वो गाड़ियों को रोक रहे हैं क्या? पुलिस देखो वो गाड़ी को लेफ्ट में रुका रहा है, मुझे लगता है इसको भी रुकवाएगा, बोलेगा कि रात को चलने के लिए। कुछ नहीं बस इसको साइड किया है, वहाँ भी पुलिस की गाड़ी भी है। यह एक और गाड़ी है, इसको भी पीछे करवा रहे हैं। चेलागिरी टोल प्लाजा 705, 115 किलोमीटर चला लिया ये। और मैं थोड़ा सा सो गया था तो गॉगल से स्पेक्स में आ गए क्योंकि सनसेट हो रही है। एक प्यारा सा है ना सनसेट के साथ फोटो लिया है। अब वरी ये है आज मुंबई तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। अच्छा खासा तो दोनों टायर्ड हो चुके हैं बिकॉज दोनों गाड़ी चला चुके हैं, बेंगलोर की ट्रैफिक भी थी। अब तक हम लोग 343 किलोमीटर चला चुके हैं, अभी भी मुंबई 661 किलोमीटर है। यार आज तो पहुंचना था, शाम भी हो रही है, नाइट ड्राइव करना है। चलो देखते हैं ना कोल्हापुर तक तो पहुंच के देखते हैं। सोचे कोल्हापुर अभी हम लोग कहाँ है पता है? हुबली भी नहीं आए हैं, हमको भी नहीं पता ये क्या है। हुबली के आसपास ये हावेरी करके कोई जगह में है, पता नहीं घर पहुँच पाएंगे कि नहीं। चलो चलते हैं देखते हैं। हम लोग इतना कोस्टल में बीचेस में जाके सनसेट देखे और ये देखो, मतलब चलते चलते इतना प्यारा सनसेट हम लोगों को मिल गया। हाईवे टाइप का वही है, आप एक से एक सीन एंजॉय करते हो, रोड के लैंडस्केप भी एंजॉय करते हो और सनराइज एंड सनसेट भी एंजॉय करते हो। एक सवा साल पहले ना हम लोग जब तमिलनाडु गए थे तो यहाँ पे पूरा सिंगल लेन हो गया था धारवाड़ तक 10-15 किलोमीटर। अब तक तो सिंगल लेन हुआ नहीं है, होपफुली रास्ता बन गया हो क्योंकि हमको तो घर पहुंचना है ना, और भी 11.5 घंटे की ड्राइव है। ये ट्रिप जब खत्म होता है ना तब खराब तो लगता है बट वो जल्दी भी रहती है घर पहुंचने का, क्योंकि इतने दिन आप घर से बाहर हो ना तो घर की याद आ जाती है। घर की याद आ जाती है, दो अपने घर में कोई नहीं है, हम दोनों ही रहते हैं। क्लास में कीड़े इतने मड़े हुए हैं ना, वो वाइपर के पानी से भी नहीं निकल रहा है, वो ना रुक के मेरे को अच्छे से साफ करना पड़ेगा। तो देखा वो रोड बना नहीं है, 1.25 साल से ऐसा ही है। कहां हम सोच रहे थे अच्छा रोड बन गया होगा हमारे लिए डबल लेन, ये देखो अब सिंगल लेन का पैच है और ये पैच है ना पूरा 29 किलोमीटर और चलेगा। यहाँ पे देखिए 29 किलोमीटर ऐसे ही चलना है, प्रॉपर धीरे चलो भी लिखा है। सो ये पेन पार्ट स्टार्ट्स और काज भी गंदे हैं, मेरे को साफ कर लेना चाहिए था। तो हम क्रॉस कर रहे हैं रामिया रेसिडेंसी, और रामिया रेसिडेंसी क्यों स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक बार रुक के खाना खाए थे और एक बार हम लोग यहाँ पे स्टे भी किए थे। 1350 का नॉन एसी रूम मिलता है, जब चेक इन करोगे उसे 24 घंटे में चेकआउट होता है। बट ये रोड का सिलसिला तो यार चल ही रहा है, आई थिंक और थोड़ा सा आगे तक रहेगा, अराउंड 13 किलोमीटर रहेगा ऐसे ही। एक हमने डाइवर्शन क्रॉस किया वेयर इट वाज मेंशन कि बेलगम सिटी लेफ्ट है। देखो घर पहुंचने का टाइम क्या हो गया, 5:55। जब हम लोग शुरू किए थे ना बैंगलोर से इट वॉज 6:20, उसके बाद खाने का भी ब्रेक लिए, बहुत पेट्रोल ब्रेक भी लिए बट अच्छा खासा
बढ़ जाएगा जब हम लोग डिनर के लिए रुकेंगे। इंडियन फ्लैग क्या लहरा रहा है ना, बहुत सही लग रहा है यार। पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं रिया का, इतना लहरा तो फ्लैग मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। बहुत दिन में बहुत अच्छा लगता है ये। यार खाना ढूंढो, तुम इतना भगा रहे हो कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। हनुमान रेसिडेंसी, बेलगम रेसिडेंसी, खाने के लिए तो हम रुके नहीं, बट बेलगम क्रॉस करते ही ये डाइवर्शन और कंस्ट्रक्शन का सिलसिला चालू हो गया है। एक दो फ्लाईओवर उन्होंने चालू भी किया है ऐसे सीमेंटेड करके, बट देखो ऐसा ऐसा ही हाल है। तो हम अभी जय श्री राम करने वाले हैं राम ढाबा में। अच्छा खासा हमने खींचा अभी, तो आपने देखा था हमने जय श्री राम में ब्रेक लिया था, बहुत घटिया सा खाना था, कुछ भी खाने लायक नहीं था। तो वहाँ से वैसे उसने पार्किंग तो बहुत बड़ा था, तो वहाँ से खा के हम लोग निकल चुके हैं। और ये जो हाईवे है ना, इस हाईवे का पूरा जाम चला गया, जस्ट डाइवर्शन डाइवर्शन। अभी भी आप देखो वो ऊपर तरफ हाईवे जा रहा है, हम यहाँ नीचे से चल रहे हैं, तो वही डाइवर्शन का सिलसिला चल रहा है बेलगम के बाद से। इरिटेटिंग तो है थोड़ा सा, बट ऑप्शन नहीं है अपने पास। और ये देखो यहाँ पे गूगल माता तो और महान बोल रहा है हाईवे छोड़ के अंदर से जाओ। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, कर्नाटक का क्रॉस करने से पहले बट पेट्रोल भरा लिया जाए सस्ते रेट में। अभी तक तो हम लोग महाराष्ट्र एंटर नहीं किए, बट पेट्रोल तो एक बार भरा लिए, कुछ 102 का रेट था तो नॉर्मल पेट्रोल ही भरा लिया इंडियन ऑयल से, कुछ 22 लीटर मतलब आई थिंक 2200-2300 का कुछ पेट्रोल आया। नॉट श्योर वी विल स्टे समवेयर और नॉट, कराट में देख रहे थे मैक्सिमम होटल हाउसफुल है, अभी भी 550 का अराइवल तो है। अगर हम लोग चलते हैं तो सुबह 6 बजे तक पहुंचेंगे, या फिर अगर नहीं रुक के छप्पी लेते तो बात अलग है। वेलकम टू महाराष्ट्र। तो वैसे कोल्हापुर तो क्रॉस कर चुके हैं, शिरोली क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। अभी आपको फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र दिख रहा है आज के वीडियो में, तो अभी वेलकम। मेरी वीडियोग्राफर सो रही थी, रिया अच्छा सो लिया। हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं, घर चले होटल ले, गाड़ी में सोए, पेट्रोल पंप में गाड़ी लगा के सो जाएंगे, नींद आएगी तो चले ही देते। ये जो सिलसिला शुरू हुआ ना, मतलब ये हाईवे एकदम खराब हो गया। अरे देखो स्वयं वाला बस फिर से आ गया। यार ये पिछले वीडियो में भी हमको ये बस मिला था। हाँ। ये भी हमारे जैसा रात को जाता है। सही बोल रहे हो स्वयं, तुम्हारा अभी अभी नया बस दिख रहा है स्वयं, तुमने नया बस भी ले लिया। अरे वो मेरा नाम यूज करते हुए बोला ना, एनर्जी तो पूरी है, 6.5 घंटे और ड्राइव है उसको ड्राइव करने के लिए, एनर्जी पूरी है अभी। और 6:45 का अराइवल बता रहे क्योंकि हम तो टाइम के साथ थोड़ा सा छेड़खानी कर लिए ना। थोड़ी देर ब्रेक हो गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। हम सोने जा रही हूँ, तो गाड़ी कौन चलाएगा? तो रिया बन रही है अभी के लिए ड्राइवर फिर से, तो मैं सो जाऊंगा। 5 घंटे की जर्नी बाकी है, 284 किलोमीटर बाकी है। अब बज रहे
12:37 और प्लीज हमारे व्लॉग्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये नॉनस्टॉप होने वाला है। हाँ, शायद होने वाला है, शायद है ना? होने वाला है। रहेंगे तो नहीं, होने से गाड़ी में ही सोएंगे। आराम से आराम से, उबर खबर है। आई थिंक ऐसे चढ़ सकते हो, हाईवे चढ़ सकते हो, देख के चढ़ना। तो चढ़ चुके हैं हाईवे में वापस। पता नहीं मैं कितना खींच पाऊंगी, बट मैं कोशिश करूंगी स्वयं के ज्यादातर खींच। नहीं ठीक है, आराम से चलाओ, नींद आए तो मुझे जगा देना। ठीक है, चलो गुड नाइट, बाय बाय। 1 hour later थोड़ी देर सो के उठ के ना थोड़ा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ। रास्ता बहुत खराब है, बीच बीच में ऐसे खरोचे हुए रोड्स हैं जिसमें गाड़ी ऐसा अंडुलेंस हो रहा है और थोड़ा थोड़ा ऐसा हिलता है और मेरा नींद खुलता है। तो थोड़ा सा मेरे को प्रैक्टिस नहीं है उस चीज का, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा बच के निकला जाए। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं खेत शिपुर टोल। भैया बहुत चला लिया आज रात को? कितना चला मैंने, कितना किलोमीटर? बहुत चला लिया, 173 बाकी है, 280 या 290 बाकी था, 110 20 चला लिया। मैं चला लूं अभी? सुना है तुमको? सुना तो नहीं, मेरे को गर्दन सीधा करना है। हां ठीक है, तो मैं चला लेता हूँ, तुम रेस्ट कर लो अभी। मैं आ गई पिलियन सीट पे फिर से। मैं थोड़ा सा ना टोल के बाद नहा लिया। नहा लिया पानी से, मतलब मुंह में डाल के। तुमको फ्रेश भी लग रहा है देखिएगा ऐसा ना। तो अभी निकलेंगे, 815 किलोमीटर हो गया अभी। सवा तो पहुँच के रहेंगे हम। सवा तो हो रहा है अभी, मेरा आई वॉच का बैटरी गया है तो आज तो पहुँच के रहेंगे हम। एकदम एकदम एकदम, सवा तो हो रहा है। अब तुम सो जाओ चैन की नींद। गुड नाइट। तो सिर्फ 3.25 घंटे का ही ड्राइव बाकी है, 173 किलोमीटर। चलते हैं। साथ हम पहुंच चुके हैं पुणे का शहर। फिलहाल हम कोथरूड क्रॉस कर रहे हैं। कर रहे हैं या कि कर चुके हैं? कर चुके हैं, कोथरूड क्रॉस कर चुके हैं। करेक्शन, लोनावला में हल्का फुल्का सा ट्रैफिक दिख रहा है और हमको है ना बहुत दबा के भूख लगी है। क्योंकि हमने डिनर नहीं किया, अच्छे से नहीं किया, बहुत घटिया सा डिनर था, आधा तो हमने छोड़ दिया। चलो चलते हैं, एक्सप्रेस वे में कुछ खाने को मिलता है तो देखते हैं। वेलकम टू यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे वंस अगेन। और फाइनली हम पुणे मुंबई के लाइफलाइन पर चढ़ चुके हैं। खाना मिलेगा क्या इधर? देखते हैं। फूड कोर्ट तो बंद होगा। फूड कोर्ट डेफिनेटली बंद होगा अभी नहीं, वो पुराने वाले जो फूड कोर्ट होते थे ना वो खुला होगा। देखना पड़ेगा। जो अपना जो नया फैंसी वाला फूड कोर्ट है वो बंद रहेगा। देखते हैं, क्रूज पे लगा देते हैं गाड़ी, थोड़ा आराम करते हैं। तो आप देख रहे हो फूड प्लाजा का एग्जिट, हमने लोनावला क्रॉस कर लिया है। और ये क्या गाड़ी ऊपर है? फूड प्लाजा तो बंद है रे साहब। नहीं इधर कुछ तो मिलेगा, देखते हैं। 5:02 का अराइवल हो गया। लोनावला में हल्का फुल्का सा ट्रैफिक था बट मैनेज हो गया। माझीवाड़ा जंक्शन में पहुंच चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ एक बार पेट्रोल भरा लूं, जितना पेट्रोल लगा है उससे टोटल पेट्रोल कंजम्पशन का है ना आइडिया लग जाएगा। जो चैनल में पुराने हैं उनको पता है ये हमारे घर का रास्ता है और हम पहुंच चुके हैं घर। तो फाइनली 5:04 में घर पहुंच गए। 984 का ट्रिप बता रहे, क्यों बता रहे नहीं पता, 1010 पहले दिख रहा था। तो माइलेज तो बहुत अच्छी मिली है,
एंड अभी हमने है ना 2319 का पेट्रोल भरा है, उसके बाद देखिए 720 का रेंज बता रहा है। तो ये बेंगलोर टू मुंबई नॉनस्टॉप हमने फाइनली अचीव कर लिया एंड सच में ये एडवेंचरस था। दोपहर को 12 बजे निकले और यहाँ पे अभी 5 बजे पहुंचे हैं विद ब्रेक्स, सो इट वाज रियली वेरी नाइस ड्राइव। बट बेलगम हाईवे का हालत बहुत खराब है, जो मतलब मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। एनीवेज इस वीडियो का है ना यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड ये जो सीरीज है ये यहीं पे ख़त्म होता है। बट मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टोटल खर्चा का बताऊंगा, अगर आप ऐसा ही एक टूर प्लान कर रहे हो तो वो आपको हेल्प करेगा। फिलहाल तो आपका पूरा जो जर्नी है और हमारा जो पूरा जर्नी है और आपने जो हमारे साथ ये जर्नी किया, दिस एंड्स हियर। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब टू ट्रैवल एडिक्शन एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ बहुत जल्दी। सी यू, बाय।